पारशिवनी पंचायत समिति के पास पिछले 10 दिनों से उमरी पाली यहां की नागरिक नरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ दोषियों पर कार्रवाई की जाए, यह इस मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। पर ना तो अभी तक दोषियों पर कार्रवाई की गई, ना ही अनशनकर्ताओं को किसी प्रकार आश्वासन दिया गया। वहीं जांच होने के पश्चात जांच में दोषी होने के बावजूद कार्रवाई में देरी की जा रही है। अनशनकर्ताओं को प्रशासन नजरअंदाज करने से यह अनशन लगातार शुरू होने से वहां बैठे अनशनकर्ताओं की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, जिसकी वजह से उमरीपाली ग्राम में प्रशासन के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। अनशन पर बैठे 76 साल के बुजुर्ग की हालत दिन ब दिन खस्ता होने से नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर अनशन शुरू रहा तो उमरीपाली ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने की संभावना निर्माण हुई है। इसलिए अनशनकारियों की जायज मांगे होते हुए भी प्रशासन इस अनशन की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई मसला सुलझाने के लिए आगे आ रहा है। युवा वर्ग भी अब इस अनशन को सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। सभी ओर इस अनशन को भारी समर्थन प्राप्त होता नजर आ रहा है। विधायक आशीष जायसवाल, पूर्व विधायक रेड्डी, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बरव, कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता ने अनशन स्थल पर आकर अनशनकारियों से मुलाकात की है। सभी ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, पर अभी तक कोई भी इस अनशनकर्ताओं की मांगे पूरी करने में कामयाब नहीं हुए। प्रशासन ने इस अनशन को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में अनशनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन पर जाने की बात अनशनकारियों ने कही है। पोषण करता हा 75 वर्षाचा आहे, तसं हा 10 तारखेपासून इथे उपोषणावर बसलेला आहे पंचायत समितीला, आणि त्याला त्याचं रोज वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत होत होती। आमच्या ग्रामीण रुग्णालय पार्श्वनीकडनं एक वैद्यकीय अधिकारी जाऊन त्यांची रोज तपासणी करत होता, पण आज त्याची प्रकृती थोडीशी बरी नव्हती आणि त्याच्या युरिनमध्ये किटोन्स आढळून आले होते आणि त्याचं बीपी थोडंसं हायर साईड आहे आणि त्याचं वय हे लक्षात घेता त्याची इतर तपासण्या करणं खूप गरजेचं आहे, कारण याला स्टार्वेशन किटो ॲसिडोसिस म्हणतात आणि या दृष्टीने आणि त्याचं वय लक्षात घेता त्याच्या इतर तपासण्या करणं गरजेचं आहे। फॉर एक्झाम्पल ECG करणं गरजेचं आहे, मेडिकल फिजिशियन इंटरव्हेन्शन खूप जरुरी आहे आणि त्याच्यासाठी त्याला आपण हॉस्पिटलाइज करण्याचं आदेशित केलेलं आहे आणि त्याला हायर रुग्णालयामध्ये संदर्भ